नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आटा चक्की के बारे में हमने जाना था, तो कुछ व्यूअर के कमेंट और फ़ोन आए हैं कि एक बार आटा पिसाई करके भी दिखाया जाए और कितने समय में कितना आटा या बेसन आप इससे पिसाई कर सकते हैं। तो जैसा कि यह आप इसकी मेन लीड देख रहे हैं, इस मेन लीड को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अनाज हमने इसके अनाज वाले चैम्बर में डाल लिया है, लेकिन अभी जो मेन स्विच MCB इसमें लगी हुई है, MCB अभी ऑफ है। MCB को तब तक ऑन नहीं करेंगे जब तक चैम्बर को पूरी तरीके से बंद नहीं कर देते। एक बार खुले चैम्बर से ही मैं आपको चलाकर दिखा रहा हूँ इसमें क्या होता है। आप जैसे कि यह देख रहे हैं, इसके अंदर यह बीटर होता है, यह बीटर ही घूमेगा और ये कटर है, इसी से पिसाई हो जाती है। तो जैसे कि स्विच इसका ऑन करता हूँ, जैसा भी मोटा बारीक आटा आपको पीसना है उसी नंबर की जाली आपको लगानी है, जैसे कि कुछ जालियां कंपनी ने दी हैं। यह नंबर एक जाली है, यह नंबर दो जाली है। यह दोनों जाली मैदा पीसने के काम आती है। यदि आपको बहुत बारीक आटे से अपनी रोटियां बनानी है तो दो नंबर की जाली लगा लीजिए। यदि आपको बेसन या बहुत बारीक मैदा पीसना तो एक नंबर की जाली लगा लीजिए। तीन, चार और पाँच नंबर की जालियाँ आटे के लिए होती हैं। अक्सर तीन नंबर और चार नंबर की जाली अधिकतर यूज की जाती है। और दोस्तों, यह तीन नंबर की जाली है, इस पर यहाँ पर तीन नंबर खुदा हुआ है, तीन नंबर डला हुआ है। तो तीन नंबर की जाली बहुत ही आसानी से इसमें हमको ऐसे लगा देनी है। जाली लगाते समय ध्यान रखना है कि जो कटर है, कटर के दोनों तरफ ग्रिप बना हुआ है, इधर भी ग्रिप है और इधर भी ग्रिप है। यह ग्रिप इस जाली को रोकने के लिए होता है। तो ऐसे ग्रिप में डालकर जाली को ऐसे अंदर लगा देना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। गलती से कभी ऐसा मत करना कि एक तरफ तो आपकी जाली ग्रिप में फंस गई और एक तरफ ऐसे बाहर रह जाए, ऐसे मत होना। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आपका बीटर घूमेगा तो बीटर जाली से टकराकर जाली को तोड़ देगा। तो जाली लगाते समय सिर्फ यही ध्यान रखना है कि यह ग्रिप के अंदर अच्छे तरीके से फंस जाए, और जैसे ही जाली यहाँ पर लगी तो चैम्बर को पूरी तरीके से ऐसे बंद कर दिया जाता है। पेंच को अच्छे से टाइट कर देना चाहिए, जिससे मशीन चलते समय चैम्बर का डोर खुलने न पाए। और यह विंडो चैम्बर की विंडो है, चैम्बर के विंडो का यह डोर है, इसको भी अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए कि यह बंद हो गया या नहीं। और अब आपकी मशीन आटा पीसने के लिए बिल्कुल तैयार है। MCB को ऑन कर देते हैं। MCB ऑन करते ही मशीन आपकी चालू हो चुकी है, लेकिन अभी आटा पिसाई शुरू नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो अनाज नीचे जाता है उसका जो गेट है यह बंद कर रखा है। इसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे और ये जो स्विच लगा हुआ है यह भी अनाज को कम ज़्यादा चैम्बर के अंदर भेजने के लिए होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो एम्पियर मीटर की सुई है यह बिल्कुल जीरो पर है, इसका मतलब मोटर खाली घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे। अब अनाज चैम्बर के अंदर जाने लगा और आटा पिसाई शुरू हो गया। इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे एम्पियर की सुई भी बढ़ती चली जाएगी। लगभग 7-8 एम्पियर मोटर इस समय ले रहा है। इतने एम्पियर पर आपकी मशीन बिल्कुल सुरक्षित तरीके से चलती रहेगी। और आप देख रहे हैं कि अनाज चैम्बर के अंदर जा रहा है और बहुत तेजी से जा रहा है, क्योंकि एम्पियर मीटर की सुई 10 पर पहुंच गई। तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूं, एम्पियर मीटर की सुई वहीं 7-8 पर फिर से आ गई और अनाज चैम्बर के अंदर जा रहा है, आटा पिसाई चल रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप हफ्ते में एक बार अपने घर का स्वस्थ आटा पीस कर यूज करें। और दोस्तों, मशीन को बंद करके अब आपको हम दिखाएंगे, मुश्किल से 3 मिनट मशीन को चलते हुई हैं और हम आपको दिखाएंगे कि आटा कितना पिसाई हुआ है और कैसा पिसाई हुआ है। और ये देखें दोस्तों, ये हमने 3 नंबर जाली से निकाला है, तो बहुत बारीक या बहुत मोटा आटा नहीं है, मीडियम आटा है जो आसानी से घर में यूज किया जाता है। और दोस्तों, यदि आपको दलिया निकालना है तो 6 या 7 नंबर की जाली से मोटा पतला निकाल सकते हैं। और यदि पशुओं के चारे के लिए आपको दाना निकालना है तो दाने के लिए यह 8 नंबर की जाली आप यूज कर सकते हैं। और यदि आप इससे भी मोटी पतली जाली और लेना चाहते हैं तो मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं, अमेजोन से भी आप इनकी जालियाँ मंगा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मशीनें होती हैं सबकी जालियाँ एक सी ही होती हैं।
और दोस्तों अपने घर के यूज के लिए यदि आप इस मशीन को मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर अमेजोन से घर बैठे भी इस मशीन को मंगा सकते हैं या अपने नज़दीकी मार्केट से किसी भी मशीन स्टोर से आसानी से इस मशीन को ले सकते हैं। लाइफ टाइम आपके घर में बेसन, आटा, दाना, दलिया सभी कुछ पिसाई करेगी और बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, इसमें कुछ भी खराबी नहीं आती। इसका जो मोटर होता है अगर कभी फूक भी जाता है तो उसको आसानी से बाइंडर से बाइंड आप करा सकते हैं। जो ग्राइंडर चैम्बर आप देख रहे हैं उसमें जो बीटर और कटर होते हैं वह लाइफ टाइम चलते हैं, उनका कभी कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसमें पिसाई करने के लिए कोई पत्थर के चक्के लगे हुए नहीं होते कि जैसे कि आपका पत्थर का चक्का घिस जाएगा या उसको फिर छेनी हथौड़ी लेकर के हमको सही करना पड़ेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। तो एक बहुत लंबे समय तक आप स्वस्थ आटा अपने घर में यूज कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।